वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के होटल ऑर्केडिया में बीती 7 अप्रैल को बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव से हुई बस सलूकी मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव से मैनेजर द्वारा माफी मांगने की बात झूठी निकली है। इतना ही नहीं, इस मामले पर होटल मैनेजर ने तो तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैनेजर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मंत्री जी का कमरा नहीं खोला था, वो तो अभी तक बंद है। वहीं मैनेजर ने ये भी कहा कि होटल रेंट के अलावा खाने का मंत्री जी ने भुगतान नहीं किया है, उल्टा हम पर FIR दर्ज करवा दी है। जी अपना परिचय बताएं। जी मैं संदीप हूँ, संदीप पालित, इस होटल का जनरल मैनेजर हूँ। सर संदीप जी, क्या पूरा मामला रहा तेज प्रताप के मामले में, क्या प्रकरण रहा? सर तेज प्रताप जी 6 तारीख को लगभग रात में 1:35 में आए। अचानक उनकी कोई बुकिंग तो थी नहीं, लेकिन अचानक आ गए, VIP थे तो इसीलिए हमें रूम देना पड़ा। उस समय हमने उनको क्लियर बोल दिया था कि सर हमारे पास सिर्फ 6 तारीख को ही रूम है, क्योंकि 7 तारीख और 8 तारीख पूरा बनारस सोल्ड आउट है और मेरे पास ग्रुप था ऑलरेडी जो कि पहले से ब्लॉक था लगभग 2 महीना पहले से। तो इसीलिए हमने उनको क्लियर बोल दिया था कि सर हम आपको सिर्फ 6 तारीख का, 7 तारीख सुबह 12 बजे तक ही आपको रूम दे पाएंगे। लेकिन रात सुबह वो 9 बजे के आसपास मंदिर चले गए, तो हमें लगा कि भाई मंदिर से आएंगे तो क्लियर करेंगे। तब भी हमने उनके जो बुकर थे उनको क्लियर बोल दिया था कि सर हम आपको रूम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास ग्रुप है। तो उन्होंने बोला कि सर देखिए VIP है, अचानक तो जा नहीं रहे हैं, तो कहीं से कुछ मैनेज कीजिए। तो हमने ग्रुप लीडर से बात किया और उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद एक रूम लिया उनसे और उनको फिर इंटीमेट किया कि सर देखिए ऐसा है कि मैं आपको एक ही रूम दे सकता हूँ, दूसरा रूम नहीं दे सकता हूँ। तो बोले कि ठीक है, हम दूसरा रूम खाली करवा देंगे। लगभग 1:30 बजे से फॉलोअप करते रहे, लेकिन वो दूसरा रूम खाली नहीं हो पा रहा था और हमारा ग्रुप भी लगभग आ गया था 8 बजे के आसपास में, और जब 11:30-12 बजे तक नहीं खाली हुआ तो फिर हमने 205 का घंटी बजाया। उसमें जो आदमी रुके हुए थे उनसे बुकर की बात करवाई, उस पर उन्होंने बोला कि ठीक है आप लगेज आउट कर रहे हैं तो आउट करवा दीजिए, लेकिन हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। उन्होंने अपना प्रोटोकॉल मेंटेन किया, हमने अपना प्रोटोकॉल मेंटेन किया, उनके सामने हमने उनका लगेज शिफ्ट किया। अब उसके बाद रात में मंत्री जी आए तो भड़क रहे हैं कि नहीं आप हमारा रूम भी खोले हैं, जबकि हमने उनका रूम नहीं खोला। उनका रूम 206 है जो अभी भी ब्लॉक है और अभी भी उनका लगेज है, ना वो आए, ना उनका कोई आदमी आया, ना पेमेंट किया, ना रूम का चाबी दिया, ना ID दिया, ना रूम खाली करके ले गए। चेकआउट भी नहीं हुआ अभी तक, चेकआउट भी नहीं हुआ सर। तो बिना ID के आप लोग एंट्री करवा दिए थे? सर एक तो रात का समय था, 1:30-2 बजे का समय हो रहा था, उस समय उनसे ID मांगा गया, बोले कि भैया अभी रूम में गए हैं, दे देते हैं आपको, सुबह दे देंगे। सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हुआ, ID उन्होंने नहीं दिया। 206 नंबर की जो बात आ रही है तेज प्रताप के कमरे की, जी वो खुला था या नहीं खुला सर? 206 नंबर नहीं खुला था सर, 205 खुला था। 205 में उनका आदमी था, आदमी से बुकर की बात करवाई, तब उनसे वहाँ का उस रूम का खाली किया। नहीं सर 206 तो खुला ही नहीं था सर, 205 खुला था सर। अभी 206 में अभी भी उनका लगेज होगा, उनके वो कार्ड लेके गए हैं रूम का कार्ड, पेमेंट उसका बाकी है, वो सब अभी भी पड़ा हुआ। दरअसल ये मामला 6 अप्रैल का है जब तेज प्रताप यादव इस होटल में रुके थे, तो होटल मैनेजर ने आधी रात को उनका लगेज रूम से बाहर निकलवा कर रिसेप्शन पर रख दिया था, जिसके चलते आधी रात को ही बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी तेज प्रताप यादव को होटल छोड़कर जाना पड़ा था। अब इस मामले में FIR दर्ज की गई है। वहीं इससे पहले खबर आ रही थी कि होटल मैनेजर ने तेज प्रताप यादव से माफी मांगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मामले में तूल पकड़ता देख होटल मैनेजर ने मीडिया को बयान दिया है कि वो माफी नहीं मांग रहा था बल्कि उसे धक्का दिया गया था, जिसके चलते वो लड़खड़ाकर गिर गया। वाराणसी से शिवम गुप्ता के साथ करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, PTC News UP।